हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज ज़रा समझेंगे मॉसफेट को। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, डिजिटल स्विच की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास आ गया मॉसफेट। अब इसमें आप देखेंगे जी एस और डी। डी जो है ड्रेन है और जी जो है गेट है, एस जो है वो सोर्स है। क्योंकि ये एन चैनल मॉसफेट है तो करंट यहाँ से डी से एस में जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जाएगा जब तक गेट को ओपन नहीं किया जाएगा, यानी कि गेट पे थोड़ा सा वोल्टेज नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है, चलिए हमने ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। और इस बैटरी के सिंबल से एक सिंबल हम और जोड़ देंगे, यानी कि एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, ये है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, ये करंट में रुकावट डालने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए 2 वोल्ट का एक छोटा सा एलईडी है, उससे आप बहुत बड़ी एलईडी, बहुत बड़ी बैटरी जोड़ देंगे तो एलईडी जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक रेजिस्टर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि कम बिजली एलईडी तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वायर के थ्रू गेट जो ड्रेन है उसको तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने मॉसफेट से जोड़ दिया। अब देखते हैं कि और क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ पे हम एक लैंप जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये लैंप जोड़ लिया, तो ये हमारा लैंप है। और अभी देखिएगा, थोड़ा सा नीचे से जोड़ते हैं इसको, और ये वायर है, ठीक है। तो जो बैटरी का नेगेटिव है, जो माइनस है, उससे हमने जोड़ दिया। और देखिए ये सर्किट नहीं चल रहा है। ये सर्किट क्यों नहीं चल रहा, ये सर्किट तब तक नहीं चलेगा जब तक ये जो हमने रेजिस्टेंस है इससे हम इसके गेट में बिजली ना दें। जो बैटरी का जो प्लस साइज, प्लस पॉइंट जो है, ये जैसे प्लस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पॉजिटिव ये रेजिस्टेंस से होता हुआ, रेजिस्टर से होता हुआ जाएगा इसके गेट पे। तो चलिए गेट से एक बार जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं स्विच लगा रहा हूँ और ये देखिए कैसे बिजली जो है दौड़ने लगी। तो अगर मैं स्विच को बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, और मैं इसे ऑन कर दूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी तो स्विच को मैं मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई PWM कंट्रोलर होता जो ऐसे ऐसे सिग्नल भेज रहा होता, ऑफ ऑन के, ऑफ ऑन के, जो कि मदरबोर्ड के VRM में होता है, तो क्या होता कि मॉसफेट इस तरीके से ऑन ऑफ हो रहा होता। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑफ करने पे ये तो पूरा बंद हुआ जा रहा है, यानी कि जो वोल्टेज है वो तो ज़ीरो हुआ जा रहा है। तो मदरबोर्ड में ऐसा नहीं होता है। मदरबोर्ड में जो है, अगर हम इसको बंद भी कर देंगे तब भी जो है वोल्टेज ऑन रहेगा, यानी कि चलता रहेगा, ठीक है। तो ज़रा मदरबोर्ड का VRM कैसा होता है उससे एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ हम हटाते हैं एक बार, चलिए VRM को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ले लेते हैं एक बैटरी, 5 वोल्ट मिल रहा है हमें, ये मिल गई हमें बैटरी। और यहाँ पे ले लेते हैं एक, यहाँ हमने ले लिया एक एन चैनल का मॉसफेट, ठीक है। अब एक स्विच लेंगे, लेकिन स्विच हम जो लेंगे वो कुछ इस तरह का लेंगे, केस वाला स्विच लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्विच ले लिया, ये वाला सर्किट पहले कंप्लीट करते हैं। तो क्या करेंगे कि ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्विच भी, तो ये वाला सर्किट यहाँ से कनेक्ट होगा और
एक रेजिस्टेंस ले लेंगे बीच में, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक वायर जाएगा जो कि कनेक्ट होगा हमारे एन चैनल मॉस्फेट के ड्रेन में, ताकि ड्रेन से सोर्स में हमें करंट मिले। ठीक है, तो एक वायर निकालेंगे, छोटा सा वायर ऐसे, और ये लिया हमने इंडक्टर, ये लिया हमने एक और इंडक्टर। तो एक ही चोक होती है मदरबोर्ड में, लेकिन यहाँ पे हम दो ले रहे हैं, और एक वायर और निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने नहीं लगाई है, कैपेसिटर। देखते हैं कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है या उसके बगैर भी काम हमारा हो जाता है। चलिए कैपेसिटर ले लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर हमारा टेढ़ा मैं नहीं लगाऊंगा, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा। एक काम करते हैं, यहाँ से वायर निकालते हैं प्लस वाले एरिया से, और इसको यहाँ ले जाते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, कैपेसिटर लग गया हमारा। और यहीं पे लगा देते हैं एक लैंप लगा देते हैं, जो कि कनेक्ट होगा इससे, कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर लगाने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ गई थी। तो बिना कैपेसिटर के हमारा सर्किट काम कर रहा है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ये चलने लगता है, और जैसे ही मैं इसे बंद करता हूँ, तो करंट तुरंत ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो इंडक्टर लगे हुए हैं। तो करंट क्या होता है, आप देखेंगे, कुछ देर रहेगा, धीरे धीरे आएगा। मतलब जैसे ही हमने बंद किया तो तुरंत बंद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मदरबोर्ड के वीआरएम में एक लो साइड मॉसफेट भी होता है, और ये जो लो साइड मॉसफेट है ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो जरा इसको भी जोड़ते हैं, इसका कनेक्शन भी करते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, इसका ग्राउंड जो है इसके, ये शायद मैंने बीजेटी ट्रांजिस्टर ले लिया, बीजेटी ले लिया था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमारे मदरबोर्ड में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, तो हम वही लेंगे। तो ये जो ग्राउंड है, ये जो पूरा सर्किट यहाँ से आया, फिर इंडक्टर में आया, फिर एलईडी में गया, एलईडी से जब वापस जा रहा है नेगेटिव वाले में, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे, नेगेटिव वाला इसके ड्रेन में जोड़ देंगे, और सोर्स इसका उठा के जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, देखिए आप, मुझे ये नहीं समझ में, कैपेसिटर दिक्कत क्या कर रहा था यहाँ पे। तो कैपेसिटर हमने निकाल दिया है, अब जरा इसको उठाते हैं और इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो बिजली देते हैं इसको, बिजली दी हमने और बंद किया,
चलना तो चाहिए था। अच्छा, मैंने इसको उठा के इधर जोड़ दिया है, वही मैं कहूँ क्या गलती हो रही है। इधर जोड़ूंगा तो चलेगा ना, तब ये मॉस्फेट ऑन होगा। ये देखिए ऑन हो गया। तो ये क्या करता है, ड्रॉप तो इसमें भी होता है, ड्रॉप लो साइड वाले में भी होता है, लेकिन ये ड्रॉप को डिले कर देता है। जो करंट ग्राउंड में जा रहा होता है, ये उसको भी उठा के जो है वापस चला देता है। ये देखिए मॉस्फेट में चलने लगेगा करंट, देखना। तो पहले जो तुरंत करंट गिर रहा था, इसने क्या किया, इसने उस चीज़ को डिले कर दिया। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा किसी चीज़ से बेटर बना सकते हैं। बेटर बनाने के लिए एक चीज़ हम लोग और लगा देते हैं, अगर लग पाए तो वायर लेते हैं, वायर निकालते हैं। एक रेजिस्टर क्यों ले रहा हूँ मैं, डायोड उठाते हैं और इसको जोड़ देते हैं इससे। अरे कहाँ जुड़ गया जाके ये, और ऐसे चलाते हैं। और तो डायोड ने भी हमारे कुछ बढ़िया काम नहीं किया, बट ओवरऑल आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि मदरबोर्ड का वीआरएम कैसे काम करता है। काम तो ऐसे ही करता है यार, हाई साइड ये होता है, लो साइड ये होता है, लेकिन हमारा बनाया हुआ वीआरएम जो है बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है। कैपेसिटर ने तो शॉर्ट ही कर दिया था, पता नहीं क्यों। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं बता दूं, कुछ नहीं है, इसका तो फंक्शन आप समझ ही गए होंगे। ये मॉसफेट का ये डिजिटल स्विच की तरह कैसे काम कर रहा है। हमने किया क्या है, ये जो लैम्प है, लैम्प जो माइनस में वापस जा रहा है, उसको उठा के उसको हमने इसके केस में प्लस मान लिया है। मतलब यहाँ से इसके ड्रेन में जोड़ दिया है, फिर सोर्स उठा के फिर से जोड़ दिया है। कुछ देर के लिए अगर आप ये लो साइड भूल जाइए, तो हमने बस किया ये है कि जो जो इधर वापस जा रहा है उसको उठा के घुमा के वापस यहाँ ले आए। अब अगर हम डायरेक्ट ऐसे ले आएंगे तो हमारा सर्किट तो शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी है जिससे करंट एक ही डायरेक्शन में चले, जैसे कि ये डायोड और ये हमारा एन चैनल मॉसफेट। तो यहाँ पे जब हम इसे ऑन कर रहे हैं, हमारा वीआरएम काम कर रहा है बढ़िया, हमारा डायोड भी काम कर रहा है। जैसे ही हम स्विचिंग करते हैं, देखिएगा स्विचिंग के बीच में थोड़ा सा डिले होता है, और वो डिले ना हो बीच में करंट का, तो ये करंट को आगे बढ़ा देता है। ये देखिएगा अभी तो करंट बहुत तेजी में जा रहा था, ये देखिए जब डिले होने लगता है तो ये बढ़ा देता है आगे। तो हमारा डायोड भी बढ़िया काम कर रहा है, डिले को जो है रोक रहा है, क्योंकि डायोड भी होता है। तो ओवरऑल हमारा वीआरएम जो है बढ़िया काम कर रहा है। ये वीआरएम क्यों बनता है, ये वीआरएम इसलिए बनता है क्योंकि मान लीजिए ये बैटरी 12 वोल्ट की है, और मैं अगर ऐसे 12 वोल्ट डायरेक्ट प्रोसेसर को दे दूंगा, प्रोसेसर मेरा जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीच में बंद करना पड़ेगा। बंद कर दूंगा तो प्रोसेसर को बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बंद कर रहा हूँ इधर से बिजली चालू हो जाती है, और ये 12 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे अगर मैं करता रहूँ तो प्रोसेसर को उसके मन मुताबिक 0.9, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे मैं दे सकता हूँ। देखना, अगर मुझे ज़्यादा देना होगा तो मैं ऑन ज़्यादा देर के लिए छोड़ दूंगा और ऑफ कर लूंगा। तो अगर आप इसको देखें, इस लैम्प को, तो
तो ये इसमें करंट सर्कुलेट होता ही रहेगा, चाहे मैं इसे बंद रखूं या ऑन रखूं, मतलब ऑफ रखूं या ऑन रखूं, इसमें सर्कुलेट होता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे ऑन छोड़ देता हूं, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तेज़ी से करंट फ्लो होने लगेगा। तो VRM जो है इसलिए होता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।